मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज की सही उम्र क्या है। इससे पहले हम जानेंगे ये रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कैसे होता है। हर महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है। ये अंडा बनने की प्रक्रिया में उसके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का निर्माण होता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन महिला को युवा रखने में बहुत ही मदद करता है। ये जब अंडा बनता है उसके बाद अंडा फूट जाता है, इसको हम ओविलेशन कहते हैं। और ये ओविलेशन के बाद आने वाले 14 दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं यानी कि अगला साइकिल शुरू हो जाता है। तो पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ये चक्र चलता रहता है, मासिक चक्र का शुरू होना, फिर अंडा बनना, फिर ओविलेशन होना और अगली मासिक चक्र आ जाना। लेकिन जब हमारे शरीर में जो अंडे की मात्रा रहती है वो कम होना शुरू हो जाता है, तब हमारा पीरियड्स अनियमित बनना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में कितने अंडे रहने वाले हैं ये जब हम माँ के पेट में 24 टू 26 वीक्स में जब छोटे से रहते हैं तब भी डिसाइड होते हैं, यानी कि अंडों की संख्या जब हम माँ के पेट में रहते हैं, हम भ्रूण रहते हैं, तभी डिसाइड होती है कि हमारे जीवन में कितने अंडे बनने वाले हैं। और इस पे ही निर्भर होता है मेनोपॉज का एज। जैसे मैंने बताया, यह प्रक्रिया एकदम नैसर्गिक होती है। जब अंडे खत्म होना शुरू हो जाता है तब अपना मासिक चक्र अनियमित होना शुरू हो जाता है। हमारा जो ब्लीडिंग रहता है, रक्तस्राव जो होता है, वो कई महिलाओं में बहुत ही हेवी होना शुरू हो जाता है तो कई महिलाओं में एकदम कम कम होना शुरू हो जाता है। और ये मेनोपॉज कभी अचानक नहीं होता। मेनोपॉज होने से 2-4 साल पहले ही इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी कि रात में पसीना छूट जाना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन रहना, वजाइनल ड्राइनेस रहना, हॉट फ्लशेस आना, ऐसे सारे लक्षण 75% महिलाओं में दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्टडीज में बताया गया है हमारी भारतीय वंशों के महिला का मेनोपॉज यूरोपियन महिलाओं से 5 साल जल्दी होता है। तो भारतीय महिला का मेनोपॉज का एज 45 to 55 तक रहता है। जब वो थोड़ा जल्दी हो जाता है 40 to 45 में हो जाता है तो इसको हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। और जब वो 40 से भी कम उम्र में होता है तो इसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। कभी ऐसे भी देखा गया है ये मेनोपॉज 20 या 30 साल में भी हो जाता है क्योंकि उनकी अंडे की संख्या बहुत ही कम रहती है, इसीलिए ये जल्दी मेनोपॉज हो जाता है। कभी ये भी देखा गया है कि मेनोपॉज का एज अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंट रहता है, कभी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे रहता है, कभी पैरिटी यानी कि कितने बच्चे हुए इस पे रहता है, और मेनोपॉज का एज थोड़ा हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी कि हमारे माँ का, हमारे सिस्टर का मेनोपॉज जल्दी हो गया तो हमारा भी मेनोपॉज जल्दी होने की संभावना रहती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया मेनोपॉज का सही उम्र क्या रहता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रह गए तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनिक और इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।